स्वतंत्रता दिवस पर अब चलते हैं चिमूर तहसील की ओर, जहां पर चिमूर क्रांति की लड़ाई में राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज की महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए देखते हैं इस पर खास रिपोर्ट। आज 15 अगस्त देश की आजादी का दिन, और आज के इस दिन पर हम उन महान क्रांतिकारी हुतात्माओं को नमन कर रहे हैं जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। और वहीं देश की आजादी में चिमूर क्रांति का अपना एक अलग महत्व है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चले जाओ का नारा दिया, और गांधी जी के इस उद्घोषणा के बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आक्रोश का बीज बन पाया, जिसमें चिमूर परिसर में उस दौरान राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज की खंजरी भजन से प्रत्येक नागरिकों के मन में नव चेतना जागी, और राष्ट्र संत के भजन से प्रेरित होकर चिमूर के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को मार भगाया। इस आंदोलन में 16 अगस्त 1942 को अनेक जुल्मी अंग्रेज अधिकारियों को क्रांतिकारियों ने मौत की नींद सुलाई। चिमूर भारत के पहले स्वतंत्र हो चुका था। चिमूर स्वतंत्र होने की घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिंग रेडियो से दी थी, और ये सभी क्रांति राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज के खंजरी भजन की प्रेरणा से प्रत्येक क्रांतिकारियों के मन में जागी। और अंत में ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज को चांदा जिला के प्रवेश पर पाबंदी लगाई थी। जाग उठो बालवीरो, अब तुम्हारी बारी, झाड़ झड़ूले शस्त्र बनेंगे, पत्थर सारे बम बनेंगे। इस क्रांतिकारी भजन से क्रांतिकारियों के मन में अपने देश के प्रति एक नव चेतना जागी। चिमूर ही क्रांतिभूमी आहे, आणि या क्रांतिभूमीला महत्त्वाचं योगदान लाभलं आहे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचं। आपल्याला माहित असेल 8 ऑगस्ट 1942 महात्मा गांधींनी चले जावचा नारा दिला आणि संपूर्ण भारतामध्ये ब्रिटिश गव्हर्नमेंट विरुद्ध भारतीय लोकांनी उठाव केला, त्यातच आहे चिमूर। चिमूरमध्ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी ज्या भजनाच्या माध्यमातून सामाजिक सांस्कृतिक आणि धार्मिक क्षेत्रामध्ये जी क्रांती केली, लोकांना या सामाजिक आणि सांस्कृतिक आणि धार्मिक या बेड्यातून बाहेर काढण्याचं जे काम केलं ते खूप मोठे कार्य या चिमूर क्रांतीमध्ये केले। तसेच एक मोठे कार्य राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे आहे, ते म्हणजे राजकीय या पारतंत्र्यातून ब्रिटिशांच्या गुलामीतून बाहेर येण्यासाठी जो महात्मा गांधी जो नारा दिला होता 8 ऑगस्ट 1942 त्या नाऱ्याच्या अनुषंगाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी जे भजनातून जी क्रांती केली होती, भजनाच्या क्रांतीतून राजकीय क्रांती त्यांनी घडून आणली, आणि त्यांना भजनातून लोकांना क्रांतिकारक असा उपदेश दिला। त्यांनी सांगितलं होतं की झाड झडूले शस्त्र बनेंगी, भक्त बनेगी सेना, पत्थर सारे बांब बनेंगे, नाव लगे किनारे, अशा अनेक क्रांतिकारिक भजनातून या चिमूर क्रांतीला एक या गुलामगिरीतून काढण्यासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी मोठी क्रांती केली। और इस भजन से प्रेरित होकर 16 अगस्त 1942 नागपंचमी के दिन गांव में प्रभात फेरी निकाली गई, और इस प्रभात फेरी के खिलाफ अंग्रेजों ने संचार बंदी लागू की, मगर क्रांतिकारियों ने इस संचार बंदी की परवाह न करते हुए जुल्मी अंग्रेज अधिकारी जरासंघ, उप विभागीय अधिकारी डुंगा जी तथा अंग्रेज अधिकारी सोनवाने का वध कर चिमूर पुलिस थाने में ब्रिटिश काल का ध्वज उतार कर हमारे देश का आन बान शान तिरंगा ध्वज को फहराया। चिमूर वासियों ने 16 अगस्त 1942 से देश में प्रथम स्वतंत्रता का आनंद लिया। चिमूर येथे 16 ऑगस्ट 1942 नागपंचमीच्या दिवशी एक भव्य अशी रॅली निघाली। या रॅलीला ब्रिटिश गव्हर्नमेंटचा विरोध होता, असूनही ही रॅली निघाली। या रॅलीवर ब्रिटिश पोलिसांनी म्हणजे ही रॅली खेदून लावण्यासाठी अमानुष असा लाठीचार्ज केला, आणि लाठीचार्ज असताना या चिमूर क्रांतीतील क्रांतीवीरांनी या चिमूरमध्ये असणारे ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना प्रामुख्याने 3 अधिकारी होते, एक जरासन नावाचा अधिकारी, एक सोनवाने आणि डांगूजी, या सर्व ब्रिटिश गव्हर्नमेंटच्या अधिकाऱ्यांना जाळ मारून टाकले। आणि संपूर्ण चिमूर हे 3 दिवस 16 ऑगस्ट 17 ऑगस्ट आणि 18 ऑगस्ट 1942 हे 3 दिवस स्वतंत्र झालं। ही बातमी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी बर्लिन या रेडिओवरून संपूर्ण जगाला कळवली की चिमूर हे गाव आज स्वतंत्र झालं आहे, संपूर्ण भारतामध्ये चिमूर या गावांनी क्रांती केलेली आहे। 16 अगस्त 1942 चिमूर क्रांती के लिए राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज को 28 अगस्त को सुबह बाबूपेट चंद्रपुर के चतुर्मास शिविर के रहते डीसी सुब्रमण्यम, डीएसपी सर्कल इंस्पेक्टर शर्मा, इन्होंने राष्ट्रसंत को गिरफ्तार किया।
राष्ट्र संत को चंद्रपुर के कारागृह में बंदी बनाने पर गड़बड़ी हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज को नागपुर के सेंट्रल जेल में भेजा और वहाँ से उन्हें रायपुर भेजा गया। रायपुर के कारागृह में राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज को क्रम क्रमांक 497 वर्ग 1 में बंदी बनाकर रखा गया और इस दौरान महाराज की आजादी के लिए क्रांतिकारियों की मुहिम शुरू थी। जनता की मांग तथा महाराज के धार्मिक कार्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 2 दिसंबर 1942 को राष्ट्र संघ को मुक्त किया। चिमूर क्रांति की लड़ाई के लिए महाराज ने चिमूर तहसील के गांव-गांव में जाकर युवकों को जागृत किया, तलवार लाठी का उन्हें प्रशिक्षण दिया। साथ ही क्रांतिकारी भजन से तथा खंजरी की धुन से चिमूर नगर में क्रांति का बिगुल चुका। चिमूर की क्रांति आज संपूर्ण देश में अमर है और आज भी चिमूर नगरी ये राष्ट्र संत कर्म भूमि के रूप में जानी जाती है और कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज के जय घोष के सिवाय पूरा नहीं होता। राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज आज भी चिमूर वासियों के हृदय में वास कर रहे हैं और जिसकी वजह से 16 अगस्त 1942 को चिमूर के स्वतंत्र होने का दिन चिमूर वासी बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं तथा इस दिन को उन शहीदों को नमन करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि बालू सातपुते की ये विशेष रिपोर्ट। चिमूरला 16 अगस्त 1942 ऐतिहासिक क्रांति लड़ा झाला। संपूर्ण भारतामध्ये जेव्हा इंग्रजांच्या विरोधामध्ये जनआंदोलन उभा झालं होतं त्यावेळेस चिमूरमध्ये वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या भजनांनी चिमूरला खूप मोठी क्रांती झाली। 16 अगस्त 1942 चिमूरमधल्या तरुणांनी आबालवृद्धांनी महिलांनी या ठिकाणी खूप मोठी मिरवणूक काढली आणि त्या मिरवणुकीमध्ये सर्वजण तयार सहभागी झाले होते आणि ही मिरवणूक चिमूरमध्ये डाक बंगल्याकडे निघाली होती। त्याच्यामध्ये जे जुलमी अधिकारी होते त्या जुलमी अधिकाऱ्यांनी चिमूरच्या जनतेवर अनियमित अत्याचार केले। SDO डुंगाजी होते, सर्कल इन्स्पेक्टर होते आणि इतर अधिकारी होते, त्यांनी चिमूरच्या जनतेवर खूप अन्याय केले। परंतु चिमूरच्या जनतेने वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या भजनांनी प्रेरित होऊन त्या इंग्रजांचं जे चिमूरवर राज्य होतं ते उलथवून टाकलं आणि 16 अगस्ट 17 अगस्ट आणि 18 अगस्ट असं 3 दिवस चिमूरमध्ये इंग्रजांचा युनियन जॅक खाली उतरला होता आणि चिमूरमध्ये तिरंगा फडकत होता आणि या घटनेला 78 वर्ष झालेले आहेत। समोर जे चिमूरचं या ठिकाणी शहीद स्मारक दिसत आहे त्या दिवशी नागपंचमी होती आणि नागपंचमीच्या दिवशी धोधो पाऊस कोसळत होता आणि म्हणून त्या नागपंचमीचं या ठिकाणी स्मारक ठेवलेलं आहे आणि 3 दिवस चिमूर स्वातंत्र्य होतं। नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी बर्लिनच्या रेडिओवरून चिमूर स्वतंत्र झालं असं घोषित केलं होतं आणि चिमूरचीपासूनच प्रेरणा घेऊन संपूर्ण भारत देशामध्ये एक वेगळ्या प्रकारची स्वातंत्र्याची ज्योत निर्माण झाली आणि पुढे 15 ऑगस्ट 1947 भारत देश स्वतंत्र झाला।